हेलो स्टूडेंट्स आई एम ई एजुकेटर इन आर टूडेज टू डिस्कस अबाउट क्लास नाइन चैप्टर ट्वेल्व एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू हमने स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू के कम्प्लीट सॉल्व किया था बट स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को ओनली वन क्वेश्चन रिमेनिंग था दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री सो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थ्री को डिस्कस करेंगे सो क्वेश्चन नंबर थ्री इज राधा मेड मेड अ पीस ऑफ एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15 फाइव फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज सो राधा ने स्टूडेंट्स एक पेपर से एरोप्लेन बनाया है इस एरोप्लेन को की पिक्चर यहाँ गिवन है इस एरोप्लेन में जितना पेपर का यूज हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करना है मीन्स हमें टोटल जो पेपर इस एरोप्लेन को बनाने में यूज हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट जैसा कि आप फिगर को देख सकते हैं इसको फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है मान लीजिए ये सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स इन फाइव पार्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और सभी पार्ट्स के एरिया को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट एरोप्लेन का एरिया आ जाएगा सो स्टूडेंट्स यहाँ हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की फिगर्स को ड्रॉ किया है सभी पार्ट्स को अलग अलग मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या था स्टूडेंट्स हमें ट्रायंगल गिवन था ट्रायंगुलर शेप थी एरोप्लेन की जिसकी साइड्स हमें फाइव फाइव और वन गिवन थी तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स टोटल जो पेपर का एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा सारे जो पार्ट्स हैं हमारे इस फाइव पार्ट्स उन सब का हम एरिया को ऐड करेंगे मींस एरिया ऑफ पार्ट वन प्लस एरिया ऑफ पार्ट टू सेकंड थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ पार्ट वन फाइंड आउट करेंगे जिसको हमने ये ट्रेंगल ट्रेंगुलर शेप में लिया है सो so, हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये ट्रेंगल है ट्रेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ना पता हो बाय यूजिंग हो हीरोन्स फार्मूला तो यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट्स ए इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर बी भी फाइव सेंटीमीटर और सी वन सेंटीमीटर है तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है फार्मूला को फाइंड आउट करने की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए सेमी पैरीमीटर सेमी पेरीमीटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं एस इक्वल टू साइड्स डिवाइडेड बाय टू सो सारी साइड्स कितनी है हमारी फाइव प्लस फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाय टू दैट इक्वल टू इलेवन बाई टू इलेवन को टू से डिवाइड करेंगे दैट इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू अंडर रूट ऑफ़ ट्राइंडी फर्स्ट साइड माइनस सेकेंड साइड माइनस थर्ड साइड सो फाइव पॉइंट फाइव माइनस फाइव फाइव पॉइंट फाइव माइनस फाइव फाइव पॉइंट फाइव माइनस वन क्योंकि ये हमारी तीनों साइड फाइव फाइव वन थी सो so, सेम 5 .5, रहेगा म रहेगाक्वल टू जीरो रूट में से बाहर निकालेंगे तो वन पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव बाहर आ जाएगा अंदर रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास फाइव पॉइंट फाइव इंट फोर पॉइंट फाइव सो फाइव पॉइंट फाइव और फोर पॉइंट फाइव हमारे पास अंदर रहेगा स्क्र रूट के अंदर अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रेंड्स रूट को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या जीरो पॉइंट फाइव हमने कॉमन ले लिया है स्कूट पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई विद को हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम जस्ट अंदर की क्वांटिटी को लेते हैं अंदर क्या है स्टूडेंट्स फाइव पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई विदिये स्टूडेंट्स फाइव पॉइंट फाइव को हम क्या करेंगे यहां से डेसिमल को रिमूव करेंगे यहां पे वन प्लेस के बाद डेसिमल है यहाँ भी वन प्लेस के बाद डेसिमल है तो डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो फिफ्टी फाइव मल्टीप्लाई विदी फाइव डेसीमल रिमूव करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स पे वन प्लेस के बाद डेसिमल है तो हम टेन से डिवाइड करेंगे यहाँ भी वन प्लेस के बाद डेसिमल है तो टेन से डिवाइड करेंगे डेसिमल रिमूव हो जाएगा अब हम देखते हैं फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव कैन बी रिटन इलेवन फाइव्टी फाइव और फोर्टी फाइव कैन बी रिटन फाइव नाइन जोटी फाइव अब देखिए स्टूडेंट्स फाइव कितने टाइम है टू टाइम नाइन कैन बी लिटनाज थ्री स्क्यर थ्री थ्री जॉ नाइन होता है सो so नाइन को हम कैसे लिखेंगे थ्री स्क्यर और इलेवन हमारे पास सेम रहेगा और नीचे क्या है टेन स्केयर सो जब इस क्वांटिटी का हम अंडर रूट करेंगे यहाँ पे स्केयर रूट में लेंगे तो क्या होता है स्टूडेंट्स जब पावर टू हो तो वन पावर बाहर आती है तो फाइव स्केयर है स्केयर से रूट कैंसिल होगा वन टाइम फाइव बाहर आएगा यहाँ से वन टाइम थ्री बाहर आएगा और यहाँ से डिवाइड में टेन वन टाइम बाहर आएगा अंदर रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास अंडर रूट में इलेवन रहेगा फाइव थ्रीज ऑफ फिफ्टीन सो फिफ्टीन बाई टेन अंडर रूट इलेवन किसकी वैल्यू आई स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडर रूट फाइव पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई विथ फोर पॉइंट फाइव की कितने आई स्टूडेंट्स फिफ्टीन बाई टेन रूट इलेवन यहाँ पे हमने पुट किया है जीरो पॉइंट फाइव ऑलरेडी बाहर था अंडर रूट इलेवन तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे जीरो पॉइंट सेवन फाइव यहाँ पॉइंट नहीं है कितना स्टूडेंट्स जीरो पॉइंट सेवन फाइव अंडर रूट ऑफ इलेवन फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स थ्री पॉइंट थ्री रूट ऑफ इलेवन कितना होता है स्टूडेंट्स थ्री पॉइंट थ्री और जीरो पॉइंट सेवन फाइव की और थ्री पॉइंट थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू टू पॉइंट फाइव अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स स्केयर रूट ऑफ इलेवन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बाई डिविजन मैथड तो देखिए स्टूडेंट्स सो so, देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के क्या लेंगे इलेवन और इलेवन को हम कैसी टेबल पे लेके जाएंगे स्टूडेंट्स जैसे टू टू ज़ा फोर थ्री थ्री ज़ा नाइन फोर फोर ज़ा सिक्सटीन तो so, देखिए स्टूडेंट्स इलेवन के पास कौन सा नंबर जाएगा हमारा टू टू जा फोर तो काफी लेस हो जाएगा नाइन नाइन इलेवन के पास होगा बट अगर फोर फोर ज़ा सिक्सटीन लेंगे तो फोर सिक्सटीन जो है इलेवन से बड़ा हो जाएगा तो हम किस पे लेके जाएंगे थ्री थ्री ज़ा नाइन ओके स्टूडेंट्स हमें ऐसे टेबल लेके जाना है थ्री थ्री ज़ा नाइन फोर फोर जा सिक्सटीन फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव सिक्स 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 ज़ा थर्टी सिक्स इस टाइप से सो थ्री थ्री ज़ा थ्री 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 जा पे लेके गए हैं तो थ्री थ्री ज़ा एक थ्री ऊपर जाएगा नाइन इलेवन माइनस नाइन इक्वल टू टू और यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स जो साइड में नंबर लिखते हैं इन नंबर्स को हम ऐड करते हैं सेम नंबर हम नीचे लिखते हैं और यहाँ इन नंबर्स की मल्टीप्लाई लिखते हैं थ्री थ्री ज नाइन यहां लिखा हमने और थ्री प्लस थ्री सिक्स नीचे लिखा अब देखिए स्टूडेंट्स इलेवन माइनस नाइन इक्वल टू टू अब क्या करेंगे डेसिमल पुट करेंगे क्योंकि फर्दर हमारे पास कोई नंबर नहीं है डेसिमल लगा के क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे डिवाइड करते हैं तो एक जीरो को हम स्लाइड डाउन कर सकते हैं नीचे ले सकते हैं बट यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स लॉन्ग डिवीज़न की हेल्प से दो ज़ीरो हमारे पास पेयर में नंबर्स नीचे आते हैं हमेशा दो दो के पेयर दो दो नंबर्स नीचे आएंगे पेयर में नंबर आएंगे तो दो ज़ीरो यहाँ लगाएंगे अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सिक्स ऑलरेडी है सिक्स के साइड में हमें कोई नंबर लिखना है जो टू हंड्रेड के पास जाए तो ऐसा नंबर कौन सा स्टूडेंट थ्री पे लेके जाएंगे तो थ्री एक ऊपर लिखेंगे एक नीचे लिखेंगे और थ्री पे हमने चलाया तो थ्री ऊपर भी लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में है तो थ्री थ्री जा नाइन थ्री सिक्स जा एटीन तो वन हंड्रेड एट्टी नाइन टू हंड्रेड के काफी क्लोज है तो इसी पर हमारी टेबल जाएगी और थ्री प्लस थ्री सिक्स थ्री प्लस थ्री सिक्स शिक, और ये सिक्स सेम रहेगा हमें क्या स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में नंबर्स को लेके जाना है और राइट right साइड में जिस टेबल पर हम लेके जाएंगे वो नंबर यहाँ आएगा तो यहाँ पे टू हंड्रेड माइनस वन नाइन इक्वल टू इलेवन ओके स्टूडेंट्स फर्दर हम क्या करेंगे दो जीरो नीचे लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम ये क्या नंबर बन गया हमारे पास वन थाउजेंड वन हंड्रेड और यहाँ साइड में क्या है सिक्सटी सिक्स तो सिक्सटी सिक्स के अगर आगे हमें कोई नंबर लेके आना है तो अब कौन से नंबर पे जाएगा वन जा पे जाएगा तो वन एक ऊपर लगाएंगे नीचे वन वन जा, वन वन सिक्स ज़ा सिक्स वन सिक्स ज़ा सिक्स सो यहाँ पे कैरी लेंगे हम टेन माइनस वन नाइन यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा नाइन नाइन माइनस सिक्स थ्री और यहाँ पे टेन रिमेनिंग रहेगा टेन माइनस सिक्स इक्वल टू फोर सो अंडर रूट ऑफ इलेवन कितना है हमारे पास थ्री पॉइंट थ्री वन वन को हम स्किप कर सकते हैं सो अंडर रूट ऑफ इलेवन कितना है हमारे पास यहाँ पे थ्री पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई विथ थ्री पॉइंट थ्री इक्वल टू टू पॉइंट फाइव सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्र अप्रोक्सीमेटली यह क्या निकाला स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट हमारे पास ट्रायंगल था इसका एरिया फाइंड आउट किया है दैट इक्वल टू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्यर अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं सेकंड जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कौन सा फिगर है स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर फिगर है रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लेंथ लेंथ सो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे 3.5 सेंटीमीटर इसको हमने क्या नाम दिया इक्वेशन नंबर थ्री अब हम थर्ड पार्ट का एरिया निकालते हैं तो स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है एक ट्रिपीजियम शेप गिवन है जिसकी ये पैरल साइड की लेंथ कितनी है टू सेंटीमीटर ये साइड की लेंथ वन सेंटीमीटर ये जो नॉन पैरल साइड है इनका डिस्टेंस कितना है वन वन सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स मान लीजिए ट्रिपीजियम की पैरल साइड्स की लेंथ ये लेंथ की साइड ए है ये साइड बी है तो हम और ये परपेंडिकुलर यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे जिसको हमने एच से डिनोट किया है सो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए बी सी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स हाफ ऑफ सम ऑफ साइड मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाफ ऑफ वन बाई टू इन टू समल साइड पैरल साइड कौन सी है ए और बी इन दोनों को ऐड करेंगे यानी ए प्लस बी और ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इक्वल टू एच एच से हम मल्टीप्लाई करेंगे बट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस फिगर में हमारे पास परपेंडिकुलर साइड्स की लेंथ है ये टू और ये वन और ये साइड्स की लेंथ है बट हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो हम यहाँ से क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे ओके स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और अगर यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस इक्वल होगा हमें यहाँ बीच में कौन सा फिगर मिलेगा एक रेक्टेंगल मिलेगा रेक्टेंगल की ये साइड वन है तो ये साइड भी वन सेंटीमीटर आएगी टोटल डिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स हमारे पास टू सेंटीमीटर बीच का डिस्टेंस वन सेंटीमीटर तो इन दोनों ट्रैंगल्स की डिस्टेंस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस किस इक्वल आएगा ये दोनों ट्रैंगल क्या होंगे स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेंट होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे मींस दोनों का सेम शेप और सेम लेंथ ब्रेथ हाइट आएंगी दोनों का एरिया इक्वल आएगा तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स रिमेनिंग टू में से वन डिस्टेंस ये हो गया रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास वन सेंटीमीटर डिस्टेंस बचा वन सेंटीमीटर में ए हाफ ये पार्ट बनेगा और हाफ ये पार्ट बनेगा मीन्स वन सेंटीमीटर के हम टू पार्ट करेंगे तो वन बाई हमारे पास ये साइड आ जाएगी और वन बाई ये सेंटीमीटर साइड आएगी ओके स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं तो देखिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये ट्रायंगल जो है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में बाय यूजिंग पाइथागोरस हमें क्या पता है ये हाइपोटनियस है जो लॉन्गेस्ट साइड है जो नाइन्टी डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट साइड क्या होता है हाइपोटनियस ये बेस और ये परपेंडिकुलर मान लीजिए पी है हमें क्या पता है स्टूडेंट्स के हाइपोटनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर वाई बिकॉज फार्मूला क्या है के परपेंडिकुलर स्क्वायर के हाइपोटनियस स्क्वायर हाइपोटनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो ये हमें फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर स्क्वेयर को हम एक साइड रखेंगे इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हाइपोटनियस स्क्वेयर माइनस बी स्क्र हमें क्या पता है स्टूडेंट्स हाइपोटनियस की लेंथ वन है तो वन स्क्र माइनस बेस बेस कितना है वन बाय टू सो वन माइनस वन बाय टू स्क्र सो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो so, यही हमने यहाँ किया स्टूडेंट्स ये जो ट्रिपीजी में है यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है

ए बी स्क्यर ए बी की वैल्यू कितनी है वन सो वन स्क्यर माइनस बी सी स्क्यर दैट इक्वल टू वन बाई टू स्क्यर और स्केयर को यहाँ से रिमूव करेंगे तो लेफ्ट साइड में राइट right साइड में क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट सो ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन स्क्यर माइनस वन बाई टू स्केयर वन स्केयर इक्वल टू वन वन बाई टू स्क्यर वन का स्क्यर वन और टू का स्क्यर फोर वन माइनस वन बाय फोर इक्वल टू थ्री बाय फोर क्योंकि फोर यहाँ एल लेंगे फोर वन साफ फोर फोर माइनस वन थ्री बाय फोर सो so, जब अंडर रूट करेंगे न्यूमरेटर का अंडर रूट अलग से डिनोमिनेटर का अंडर रूट अलग से सो थ्री टू टाइम्स नहीं है तो अंडर रूट थ्री सेम रहेगा फोर फोर किसका स्क्वायर होता है टू का स्क्वायर। सो अंडर रूट फोर कितना आएगा टू के इक्वल आएगा अब हमें क्या पता है कि अंडर रूट थ्री किसके इक्वल होता है वन पॉइंट सेवन थ्री के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय टू ये आपको याद भी करना है और मैं अभी आपको निकाल के भी बताऊंगी के अंडर थ्री इक्वल टू वन पॉइंट सेवन थ्री कैसे होता है सो वन पॉइंट सेवन थ्री को जब टू से डिवाइड करेंगे दैट इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट एट फाइव सेंटीमीटर सो ए सी की लेंथ कितने है स्टूडेंट्स हमारे पास ज़ीरो पॉइंट एट फाइव सेंटीमीटर और ए सी क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे ए सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सो एरिया ऑफ ए सी डी ई जो जो ट्रिपीजियम था उसका एरिया किसके कुल होगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस सो वन बाय टू इन टू पैरल साइड्स कौन सी हैं टू प्लस वन मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने अभी फाइंड आउट किया था जीरो पॉइंट एट फाइव सो वन बाय टू मल्टीप्लाई विथ टू प्लस वन इक्वल टू थ्री और जीरो पॉइंट एट सिक्स को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से वन बाय टू मल्टीप्लाई विथ थ्री मल्टीप्लाई विद जीरो पॉइंट एट फाइव था तो फाइव ने वन इस इसमें ऐड हो जाता है फर्दर जब नंबर डेसिमल के बाद हमारा फाइव या फाइव से बड़ा होता है तो उससे पहले वाला नंबर उसमें ऐड हो जाता है वन हम राइट साइड में ऐड करते हैं तो जीरो पॉइंट एट फाइव को हम क्या राइट कर सकते हैं जीरो पॉइंट नाइन तो यहाँ से वन इंटू थ्री इंटू ज़ीरो पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाई टू सो नाइन थ्री झा ट्वेंटी सो टू पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई टू 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 से डिवाइड करेंगे तो टू वन झा टू और टू थ्री झा सिक्स सो वन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर्स के एरिया क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिपीजियम अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के रूट ऑफ थ्री वन पॉइंट सेवन थ्री कैसे होता है तो इसी टाइप से लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से थ्री को हम अंदर लिखेंगे और बाहर कहाँ चलाएंगे स्टूडेंट्स टेबल को वन वन झा वन पे क्योंकि टू टू पे चलाएंगे तो टू टू जोर हो जाएगा जो कि थ्री से ग्रेटर हो जाएगा सो so वन एक लेफ्ट साइड में और एक ऊपर क्वेश्चन में जाएगा वन वन जा वन और एक नीचे वन लिखेंगे वन वन जा वन मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे थ्री के नीचे और वन प्लस वन टू यहाँ लिखेंगे हम लेफ्ट साइड में नंबर्स को लेते जाएंगे थ्री यहाँ से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्री माइनस वन इक्वल टू टू फर्दर हमारे पास कोई नंबर नहीं है दैट्स वाई यहाँ पे हम डेसिमल पुट करेंगे और दो दो जीरो को हम यहाँ लिखेंगे अब देखिए स्टूडेंट्स नंबर हमारे पास टू है टू के आगे अब हमें कोई नंबर लेना है किस नंबर को लेके आएंगे स्टूडेंट्स ताकि ये नंबर जो है टू हंड्रेड के नियर अबाउट जाए दैट इक्वल टू सेवन क्योंकि सेवन जब यह लिखेंगे एक सेवन ऊपर एक सेवन नीचे और सेवन हमारा क्वेश्चन में भी जाएगा सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन नाइन यहाँ पे फोर कैरी सेवन टू जोटीन फोरटीन प्लस फोर इक्वल टू एटीन सो वन हंड्रेड एट्टी नाइन अगर यहाँ आप सिक्स पे लेके जाएंगे तो टू हंड्रेड से काफी लेस हो जाएगा और एट पे ले जाएंगे तो टू हंड्रेड से ग्रेटर हो जाएगा दैट्स वाई हमें सेवन पे टेबल लेके जानी पड़ेगी सेवन सो वन हंड्रेड एट्टी नाइन यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स एड करेंगे सेवन प्लस सेवन फोर्टीन फोर कैरी वन टू प्लस वन थ्री यहाँ पे थर्टी फोर आएगा और यहाँ पे टू हंड्रेड माइनस वन एट्टी नाइन इक्वल टू इलेवन फर्दर हम दो जीरो को स्लाइड करेंगे और यहाँ नंबर क्या बन गया हमारे पास वन थाउजेंड वन हंड्रेड और यहाँ पे नंबर क्या था थर्टी फोर थर्टी फोर के आगे हमें अब कोई नंबर लेके आना है अगर टू से टू की टेबल पे लेके जाएंगे तो नंबर काफ़ी छोटा रहेगा सो हमें थ्री पर लेके जाना पड़ेगा एक थ्री हमें ऊपर क्वेश्चन में लेके जाना पड़ेगा थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व टू कैरी वन एंड थ्री थ्री जो नाइन नाइन प्लस वन टेन वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन सो सब्टैक्ट करेंगे तो सेवनटी वन सो वन पॉइंट सेवन थ्री सो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री क्या होता है हमारे पास वन पॉइंट सेवन थ्री सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड फिगर का एरिया फाइंड आउट कर लिया है फोर्थ और फिफ्थ जो फिगर है वो सेम राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है जिसका बेस सिक्स सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है One, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का एरिया इक्वल रहेगा सो एरिया ऑफ ट्रायंगल फोर एंड ट्रायंगल फाइव दोनों का ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा सो हम टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेस सिक्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वन पॉइंट फाइव सो यहाँ से टू से टू कैंसिल हो कैंसिल हो जाएगा फिफ्टीन फाइवी और पॉइंट है तो नाइन सेंटीमीटर स्क्र सो ये हमारे पास एरिया आ गया फिफ्थ पार्ट का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का ओके स्टूडेंट्स सो टोटल एरिया हमें कैसे फाइंड आउट करना है जो फाइव पार्ट्स हैं उन सब के एरिया को ऐड करेंगे फर्स्ट पार्ट जो था उसका एरिया कितना था टू पॉइंट फाइव सेकेंड पार्ट का एरिया सिक्स पॉइंट फाइव थर्ड पार्ट का वन पॉइंट फोर थ्री फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पे आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन फोर पॉइंट फाइव प्लस फोर पॉइंट फाइव यहाँ पर आप डायरेक्टली नाइन ऐड करेंगे तो सबको ऐड करेंगे या फिर अलग अलग ट्रैंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं एक ट्रैंगल का एरिया फोर पॉइंट फाइव आएगा दूसरा ट्रैंगल का एरिया भी फोर पॉइंट फाइव आएगा सो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पार्ट्स का एरिया को ऐड करेंगे दैट इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर स्क्वेयर और यही हमारा एरोप्लेन का में जो कंप्लीट पेपर यूज हुआ है उसका एरिया है सो स्टूडेंट्स इस टाइप से हम इस एरोप्लेन के एरिया को फाइंड आउट कर, कर सकते हैं सो so, ट्रायंगल का एरिया आप काफी इजीली निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स ये दोनों भी ट्रायंगल हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स इसके जो लास्ट में है बैक पोर्शन है एरोप्लेन का वो हमारे पास एक ट्रिपीजियम है जिसमें एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ पैरल साइड्स मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस आपको हाइट फाइंड आउट करनी है उसके बाद आप सबका एरिया निकाल के सारे एरियाज को ऐड कर देंगे तो एरोप्लेन के बनाने में जो कंप्लीट पेपर यूज हुआ है वही उस कंप्लीट पेपर का एरिया होगा सो so, स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट होता है और स्टूडेंट्स आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं